नारी जाति को दूध देते हम सब ने कई बार सुना और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी नर को दूध देते देखा है? जी हाँ, सही सुना आपने। क्या आपने नर जाति को दूध देते देखा है? नहीं देखा होगा। आपको लग रहा होगा किसी काल्पनिक फिल्म की स्टोरी सुना रहे होंगे हम, लेकिन यह वारदात सच है। चंद्रपुर से सटे राजुरा के निवासी अब्दुल शेख इनके पास एक ऐसा बकरा है जो रोजाना 1.5 गिलास दूध देता है। पहले तो खुद बकरे का मालिक भी इस अद्भुत नज़ारे को देख हैरान हो गया था। बकरे के मालिक अब्दुल शेख, इन्होंने बकरे को किसी बीमारी की लागन तो नहीं हुई है? इसे जानने के लिए अब्दुल शेख ने पशु वैद्यकीय अधिकारी से जांच करने का सोचा। पशु चिकित्सक से बकरे की जांच करवाने के बाद जो तथ्य सामने आया, जिसे सुनकर अब्दुल शेख ने अपनी उंगलियां दांतों तले दबा ली। डॉक्टर के मुताबिक बकरा दूध दे सकता है जिसके हार्मोन उस तरह विकसित हो चुके होते हैं। ये आपने दूधना राजुरा हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा है कि बकरा भी दूध दे सकता है? हाँ, दे सकता बोले बकरा दूध। तो डॉक्टर साहब ने ऐसा थान को हाथ लगा के देखे थे, तो निकलना शुरू हो गया। फिर घर में ला के एक बार मैं निकाला, तो बढ़ना शुरू हो गया। उससे निकाले के थोड़ा कम होता था, कम होता उसका। यानी अगर दूध बढ़ गया तो वो तड़पते रहता है? तड़पते रहता है। दीवार को टंगाल के ऐसे उन्हें पूरा दूध निकालते थे, अपने पैरों से निकालते थे, टपकते रहता। बकरा दूध देता है, यह खबर हवा से भी तेज पूरे गाँव में फैल गई। फिर क्या था, दूध देने वाले बकरे को देखने लोगों का तांता अब्दुल शेख इनके घर में लगना शुरू हो गया। बकरे के मालिक ने पहले दिन 1.5 गिलास के करीब करीब दूध निकाला। इसमें खास बात यह है कि अब्दुल शेख जिस दिन भी बकरे का दूध नहीं निकालते, उस दिन बकरे को दर्द शुरू हो जाता। फिर क्या था, बकरे का दर्द कम होने के लिए अब्दुल शेख ने बकरे का दूध निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया, और गलती से किसी दिन बकरे का दूध अब्दुल शेख ना निकाल पाए, उस दिन बकरा दर्द के मारे चिल्ला उठता है। माझं नाव प्रमोद किशोर जल्लेवार, पशुधन विकास अधिकारी राजुरा आहे। राजुरामध्ये काही व्यक्तीने सांगितले की बाबा बकरा दूध देऊन राहिलेला आहे, तर हे कहां तक सच है? यामध्ये काही काही मेल आणि फिमेलमध्ये रुड्रिमेंटरी असू शकतात, मेलमध्ये रुड्रिमेंटरी टीट असू शकतात, त्यामधून दूध कधी कधी निघतो, म्हणजे बकऱ्यामध्ये होऊ शकतो किंवा काही दुसऱ्या जनावरांमध्ये पण असे रुड्रिमेंटरी राहतात, तर मे बी त्यामध्ये पॉसिबल राहू शकतात। यानी पॉसिबल है कि बकरा भी दूध दे सकता? रुड्रिमेंटरी असतात, रुड्रिमेंटरी असतात, परमानेंट नसतात। इस संदर्भ में जब हमने यहाँ के पशु चिकित्सक से जानकारी जुटाई तो उन्होंने इस बात को सामान्य बता दिया। उन्होंने कहा कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पशु का कोई अंग सही से विकसित नहीं हो पाता, जिससे उस पशु के अंगों में दोष निर्माण हो जाता है, जिसका परिणाम इसी तरह कुछ अलग घटना के रूप में सामने आता है। टीम VL24 न्यूज़।